स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सरस्वती गंगा एजुकेशन में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई मेहनत से कर रहे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि ये खासकर बिहार वाले बच्चों के लिए, तो आप लोग जितना मैं जो भी वीडियो डालूँगी उसे ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना और बहुत गहराई से समझना, ठीक है? तो जैसे कि हम पढ़ रहे हैं टैट के अंतर्गत भाषा शिक्षा शास्त्र में। भाषा शिक्षा शास्त्र का मतलब होता है लैंग्वेज पेडागोजी, ठीक है? उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं भाषा कौशल, ठीक है? भाषा कौशल के अंतर्गत हमें भाषा कौशल होता क्या है ये हमें देखना है। ये पहला टॉपिक, पहला पॉइंट है हमारा। और भाषा कौशल के कितने प्रकार हैं ये एक वीडियो में ढेर सारा नहीं पढ़ाऊँगी, क्योंकि ढेर सारा पढ़ा देने से आपको याद नहीं होगा। तो आज मैं सिर्फ भाषा कौशल की परिभाषा, भाषा कौशल का मतलब क्या होता है, उसके प्रकार इतना समझा दूंगी, इतना आप समझ लेंगे। तो आप ये जान लीजिए कि कम से कम 10 प्रश्न इसी वीडियो से आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो कि बहुत आता है। जो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ना। चलिए बोर्ड पर चलते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। ये आपकी सुविधा के अनुसार मैंने सारा का सारा बोर्ड पे लिख दिया है जो कि समझाना है मुझे। ये भाषा कौशल की परिभाषा है। भाषा पहले, सबसे पहले हम देख लेते हैं भाषा होती क्या है। भाषा वह होती है जो हमारे एक दूसरे, हमारे विचार दूसरों के सामने प्रकट होता है और दूसरों का हम सुनते समझते हैं, यानी कि विचारों का आदान प्रदान जो होता है वही भाषा होती है। एक छोटी सी परिभाषा मैंने लिख रखी है कि हम अपने भावों एवं विचारों को जिस माध्यम से दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के भावों एवं विचारों को सुनते समझते हैं उसी को भाषा कहा जाता है। ये सभी जानते हैं, फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया थोड़ा सा बताने के लिए। अब बात आती है कि कौशल क्या है। कौशल का मतलब होता है हुनर या दक्षता या प्रवीणता, यानी कि किसी काम में हम एक्सपर्ट हों उसी को कौशल कहा जाता है, ठीक है? तो अब हम देख लेते हैं कि भाषा कौशल के सोपान कौन कौन से हैं, यानी कि जो भाषा कौशल का सोपान होता है, प्रकार होता है, वो कौन कौन सा है, कौन कौन से ऐसे सोपान हैं जो भाषा कौशल के अंतर्गत आते हैं। तो एक सूत्र याद रखिएगा हमेशा कि सुबोपलि, ये सूत्र मैंने लिख दिया है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरा का पूरा, अभी मैं समझा दूंगी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सुबोपलि एक सूत्र है। सु का मतलब होता है सुनना, बो का मतलब होता है बोलना, पा का मतलब होता है पढ़ना और ली का मतलब होता है लिखना। यानी सुबोपलि का मतलब होता है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो पढ़ने लिखने का या फिर भाषा कौशल का जो सीरियल है, जो क्रम है, वो किस प्रकार से है, सबसे पहले क्या आएगा। एक जगह मैंने बात की थी तो उन्होंने गलत बताया था। उन्होंने कहा कि पहले पढ़ना आएगा, क्योंकि बोलना आएगा क्योंकि सबसे पहले बच्चा बोलता है, ठीक है? अब एक चीज़ देखिए कि जब वो सुनेगा ही नहीं तो बोलेगा क्या। सबसे पहले ज़रूरी है सुनना, ठीक है? जो कि ये मैं अगले वीडियो में जब श्रवण कौशल का पढ़ाऊंगी वहाँ पर बताऊंगी कि कब बच्चा सुनने लगता है, कब बोलने लगता है, एज, उसकी उम्र, समय सब बताऊंगी, ठीक है? अभी फिलहाल हम इस सूत्र को पढ़ लेते हैं कि इस सूत्र के अंतर्गत जो है, ये सूत्र जो है इसके अंतर्गत क्या क्या आता है और इस सूत्र को कहते क्या क्या हैं, इनके नाम क्या क्या हैं, वो मैंने जो है लिखा हुआ है, तो आइए देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं, हिंदी में तो इसको सुबोपलि कहा जाता है लेकिन अंग्रेजी में इसको कहते हैं शॉर्ट में LSRW। क्या कहते हैं? LSRW, यानी कि लिसनिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल, और R से है रीडिंग स्किल और W से है राइटिंग स्किल। यानी सबसे पहले होगा लिसनिंग, सुनना, दूसरा होगा स्पीकिंग यानी बोलना, जब सुनोगे तभी तो बोलोगे, ठीक है? और तीसरा है रीडिंग, यानी कि जब सुनोगे तब बोलने का प्रयास करोगे और तभी आप पढ़ पाओगे, ठीक है? और उसके बाद है राइटिंग, लिखना तब शुरू करोगे जब सुनना, बोलना, पढ़ना आ जाएगा, ठीक है? ये चौथा है। तो अब देख लेते हैं कि इनके नाम क्या क्या हैं। तो देख लेते हैं इसको। पहला है हमारा सुनना, जिसे श्रवण कौशल भी कहा जाता है। श्रवण माने सुनना होता है, जिसे ग्रहीत कौशल भी कहा जाता है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ग्रहीत कौशल भी कहा जाता है। ग्रहीत कौशल क्यों कहा जाता है या फिर ग्रहणात्मक कौशल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम उस किसी चीज़ को सुनते हैं तो हम आत्मसात कर रहे होते हैं,
उसको सुन रहे होते हैं ध्यान से, अपनी अपने अंदर उसे उतार रहे होते हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपने जीवन के व्यवहार में उसका उपयोग भी कर रहे होते हैं। ठीक है, जब हम सुनते हैं किसी चीज़ को तो उसे हम अपने अंदर ग्रहण करते हैं कि कोई कह क्या रहा है, और उसे उसी चीज़ को हम सीखते भी हैं, स्वीकार करते हैं, अपने जीवन में उसको लाते हैं, व्यवहार में लाते हैं, है ना। आपने सुना होगा कि जो कुछ लोग होते हैं कि उन्होंने सुना कि इसको गाली देना चाहिए तो वो गाली देना ही सीख जाते हैं। कुछ लोग ये सुनते हैं कि भगवान का भजन करना चाहिए, सत्संग में जाते हैं तो भगवान का भजन करने लगते हैं। तो सुनना क्या होता है, ग्रहण करना, ग्रहण किया जाता है। आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि इन चारों में से ग्रहणात्मक स्किल कौन सा है, ग्रहित स्किल कौन सा है, तब आपको सुनना बताना है। ठीक है, एक ग्रहित स्किल एक और है, पढ़ना, अभी हम आगे देख लेते हैं। अब दूसरा है हमारा बोलना। अच्छा, अभी एक इसमें सुनना में एक निष्क्रिय स्किल, सुनना क्या है, निष्क्रिय स्किल है कि जैसे हम मान लिया प्रवचन सुन रहे होते हैं या क्लास में बैठे पढ़ रहे होते हैं, तो जो बोलने वाला होता है वो बोलता रहता है सक्रिय होकर के, प्रवचन सुना रहा है या क्लास टीचर पढ़ा रहा है टीचर क्लास में, लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, हम एकदम मूक बने चुपचाप बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं, उसको ग्रहण करते रहते हैं, निष्क्रियता होती है हमारे अंदर। तो सुनना कौशल कैसा है, निष्क्रिय कौशल है। ठीक है, प्रश्न आ सकता है निष्क्रिय कौशल कौन सा है इसमें, तो आप उसमें कौन सा लगाएंगे, सुनना। ठीक है, एक होता है निष्क्रिय, एक होता है पढ़ना भी होता है, पढ़ना को किसी ने लिख रखा, किसी लेखक ने, किसी कवि ने, किसी समाचार पत्र वाले ने, हम बैठ के निष्क्रियता से आराम से चुपचाप बैठे पढ़ रहे हैं, वो भी निष्क्रिय कौशल है। पढ़ना और सुनना दो कौशल होता है, जो होता है निष्क्रिय कौशल, कौन कौन सा, पढ़ना और सुनना। सुनते हैं तो निष्क्रिय होते हैं चुपचाप, ठीक है, पढ़ते हैं तो भी हम चुपचाप पढ़ते हैं आराम से, मतलब कोई एक्टिविटी नहीं, हमें अपने पास से कुछ नहीं करना है, है ना, तो वो निष्क्रिय कौशल होता है। अच्छा, एक है प्राथमिक कौशल। अब हमें देखना प्राथमिक माने, प्राथमिक का होता है प्रारंभिक, पहला कौशल होता है सुनना, यानी कि बच्चे के अंदर अगर कोई स्किल डेवलपमेंट होती है सबसे पहले तो क्या होती है, लिसनिंग स्किल, यानी कि सुनना जो होता है कौशल, श्रवण कौशल विकसित होता है, ये प्राथमिक कौशल है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं दूसरे में, अब दूसरा है बोलना। ठीक है, अब बोलना जो है इसको कहते हैं बोलना, बोलने का कौशल या फिर अभिव्यक्ति कौशल। अभिव्यक्ति माने अपने अंदर की बात बताना या किसी चीज़ को एक्सप्लेन करके समझाना, वो अभिव्यक्ति कौशल होता है। ठीक है, अच्छा इसे बोलना या अभिव्यक्ति कौशल को उत्पादनात्मक कौशल भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं अपने पास से आपको बता रही हूँ, कुछ चीज़ें किताब से मिलती हैं लेकिन समझाने का जो तरीका होता है, जो समझा रही हूँ मैं अपने पास से अपनी लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ, ठीक है ना, अपने पास से समझा रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या होता है, उत्पादनात्मक कौशल है ये। जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा होता है तो वो टॉपिक ले लेता है लेकिन वही टॉपिक नहीं बताता है, वो उस टॉपिक को समझाने के लिए बहुत सारी चीज़ अपने अंदर से निकालता है, अपने बुद्धि से निकालता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, उत्पादनात्मक कौशल होता है उसका, जिसे कहते हैं बोलना कौशल। ये कौन सा है, अभिव्यक्ति कौशल, अभिव्यक्त कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बोलना कौशल में आता है, प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इतना सारा लिखा है कि कैसे भी घुमाकर आपसे पूछा जा सकता है, आप उसे सही कर सको। ठीक है, अब है सक्रिय कौशल। जब हम बोल रहे होते हैं तो बिल्कुल एक्टिव होते हैं, एक्टिव माने सक्रिय, हिंदी में सक्रिय कहते हैं उसको, अंग्रेजी में एक्टिव कहते हैं। ठीक है, ये भी होता है क्योंकि हम बोल रहे होते हैं, हमें समझाना है सामने वाले को, तो हम बिल्कुल सक्रिय होकर, पॉजिटिव होकर के और एक्टिव होकर के पढ़ाते हैं, बोलते हैं। ठीक है, तो बोलना कौशल कैसा है, सक्रिय कौशल है, और ये भी प्राथमिक कौशल ही है, क्योंकि सबसे पहले बच्चा सुनता है और बोलने की कोशिश करता है, जो चीज़ सुन रहा है उसी को रिपीट करने की कोशिश करता है। तो बोलना, सुनना और बोलना, ये दोनों के दोनों कैसे स्किल्स हैं, कैसे कौशल हैं, प्राथमिक कौशल हैं, प्रारंभिक कौशल हैं। ठीक है, ये दोनों इतना याद रखिए। अब तीसरा है हमारा पढ़ना, पढ़ना कौशल, पढ़ने का कौशल, इसे पठन कौशल भी कहा जाता है, पढ़ने को पठन कहा जाता है संस्कृत में।
वाचन कौशल भी कहा जाता है भाई, हम किसी ने किताब लिख रखी है और हम आराम से पढ़ रहे होते हैं, ठीक है ना, तो वाचन कौशल भी होता है। अच्छा, वाचित कौशल भी इसको कहा जाता है, पढ़ने के कौशल को, पठन कौशल को, वाचन कौशल को वाचित कौशल भी कहा जाता है, इतना याद रखिए, ठीक है। उसी के बाद इसे ग्रहणात्मक कौशल भी कहा जाता है, इसे ग्राह्यात्मक कौशल भी कह सकते हो, इसे ग्रहणात्मक कौशल भी कह सकते हो, जिसका मतलब होता है ग्रहण करना। हम किसी चीज़ को पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ करके उसका अर्थ भी ग्रहण कर रहे होते हैं, ठीक है, अर्थ भी ग्रहण कर रहे होते हैं, ये है क्या क्या इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो और पढ़ना दो तरीके से होता है, एक होता है सस्वर वाचन करते हैं हम, बोल बोल के पढ़ते हैं, तो बोल बोल के पढ़ते हैं तो हम अर्थ ग्रहण नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम मौन वाचन करते हैं, दूसरा वाला वाचन करते हैं, यानी चुप होकर के जब पढ़ते हैं तब हम गहराई से पढ़ते हैं, डीपली पढ़ते हैं, और उसको हम आत्मसात कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, अपने अंदर ग्रहण कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जो है क्या होता है, ग्रहणात्मक कौशल है, उसे कहते हैं ग्रहणात्मक कौशल। कौन से कौशल को, पठन कौशल को, ठीक है, पढ़ने के कौशल को, वाचन कौशल को, ठीक है, ये ग्रहणात्मक होता है। और निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय क्यों होता है, क्योंकि हम अगर मौन वाचन कर रहे हैं, अगर सस्वर वाचन कर रहे हैं तो सिर भी हिला रहे हैं, मुंह भी चला रहे हैं, जीभ भी चला रहे हैं, इधर उधर देख भी रहे हैं, सब पर हमारी निगाह है, हाथ पैर भी चला रहे हैं, भाई पढ़ रहे हैं, समझा रहे हैं, तो हर चीज़ करेंगे, है ना। लेकिन जब हम मौन वाचन कर रहे होते हैं उसी चीज़ का, जब हम मौन वाचन कर रहे होते हैं तब हम ना हाथ हिलाते हैं, ना पैर हिलाते हैं, ना सिर हिलाते हैं, ना मुँह खोलते हैं, एकदम मौन हो करके पढ़ते हैं, ठीक है, बिना किसी एक्टिविटी के। इसीलिए पठन कौशल कैसा कौशल होता है, निष्क्रिय कौशल होता है। इसमें हम अपने पास से कुछ नहीं दे रहे होते हैं, जो किसी ने हमारे सामने रखा हुआ है उसी को पढ़ करके आत्मसात कर रहे होते हैं, ग्रहण कर रहे होते हैं, इसलिए इसे निष्क्रिय स्किल भी कहा जाता है, निष्क्रिय कौशल, ठीक है। अब उसके बाद है कि द्वितीय कौशल होता है। अब देख लीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए खूब, कि सुनना कौशल होता है प्राथमिक कौशल, बोलना भी प्राथमिक होता है, क्योंकि जब बच्चा शुरू शुरू में सुनने लगा और सुनने के बाद वो धीरे धीरे मा ए का कुछ बोलने लगा, ठीक है ना, तो ये सुनना और बोलना क्या है, प्राथमिक कौशल है। लेकिन ये जो पढ़ना और लिखना है ये द्वितीय कौशल है, क्योंकि बच्चा बोलना तो सीख ही गया है, तो जब बोलना सीख गया है तो उसके आगे की जो प्रोसेस है वो करेगा, यानी पढ़ने लगेगा, ABCD पढ़ने लगेगा, बोलना तो उसको आ ही गया है, तो इसलिए सुनना और बोलना क्या है, प्रारंभिक कौशल है, प्राथमिक कौशल है, और पढ़ना और लिखना कैसा कौशल है, द्वितीय कौशल है। बहुत इंपॉर्टेंट है जो कुछ मैं इसमें बता रही हूँ, कम से कम 10 प्रश्न आपके इसमें से सही हो जाएंगे, 10 प्रश्न आपका सही हो जाएगा यदि पूछा गया, क्योंकि स्किल्स से लेकर के, यानी भाषा कौशल से लेकर के 2-3 प्रश्न, 4 प्रश्न कम से कम आ ही जाते हैं, ठीक है। तो जो टैट होता है उसमें और जो सुपर टैट होता है उसमें से मिला करके कम से कम 10 प्रश्न इसमें से आपको आएगा और आपको याद रहेगा कि ये इसका ये है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इसको रीडिंग स्किल कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये चौथा है लिखना कौशल। लिखना कौशल को लेखन कौशल भी कहा जाता है, अभिव्यक्ति कौशल भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि व्यक्ति जब लिख रहा होता है तो वो अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा होता है। हम किसी कवि को कैसे पहचानते हैं, किसी लेखक को कैसे पहचानते हैं, उसकी रचना से, क्योंकि किसी भी चीज़ को उसने अपने अनुसार अभिव्यक्ति दी है, अपने स्वभाव के अनुसार, अपने भाव के अनुसार, अपने आचरण के अनुसार उसने लिखा है, ठीक है, उस चीज़ को अभिव्यक्त किया है, तो उसी चीज़ से हम उस जो है लिखने वाले को, लेखक को, कवि को पहचानते हैं। तो लेखन कौशल कैसा कौशल है, अभिव्यक्ति कौशल है, ठीक है। और ये कैसा कौशल है, सक्रिय कौशल है, क्योंकि भाई हम अभिव्यक्त कर रहे हैं तो हम बिल्कुल एक्टिव हैं, हमें क्या लिखना है, कहाँ पूर्ण विराम लगाना है, किस चीज़ को आरोह में लगाना करना है, कैसे आरोह में, अवरोह में, उतार चढ़ाव, सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो हम एकदम एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं। इसलिए लिखना कौशल को अभिव्यक्ति कौशल, सक्रिय कौशल कहा जाता है, और यह द्वितीय कौशल भी होता है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अच्छा, ये एक चीज़ यहाँ तो मैंने बताया ही है,
यहाँ भी मैंने लिख दिया है इसे अलग करके। कैसे? पहला है इसके जैसे चार कौशल हैं ये, तो चारों को दो भाग में डिवाइड किया हुआ है। कैसे कैसे में? एक है ग्रहणात्मक या ग्राह्यात्मक कौशल, जो जो स्वीकार किया जाता है, एक्सेप्ट किया जा रहा है, ग्रहण किया जा रहा है, आत्मसात किया जा रहा है, वो कौन कौन से कौशल में से होता है जो हम ग्रहण कर रहे होते हैं, तो वो है पहले सुनना और पढ़ना। सुनना और पढ़ना, इन दोनों से हम क्या कर रहे होते हैं? ग्रहण कर रहे होते हैं। जब हम सुन रहे होते हैं तो भी ग्रहण कर रहे होते हैं, और पढ़ रहे होते हैं तब भी हम ग्रहण कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद है दूसरा हमारा है अभिव्यक्तात्मक कौशल, अभिव्यक्त कर रहे होते हैं। देखो जब हम बोलना सीख लेते हैं तो हम अपने को अभिव्यक्त कर रहे होते हैं दूसरे के सामने, और जब हम लिखना शुरू करते हैं तब भी हम अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे होते हैं। तो अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन सा है? बोलना और लिखना। और ग्रहणात्मक कौन सा है? सुनना और पढ़ना, क्योंकि सुन रहे होते हैं तब हम ग्रहण कर रहे होते हैं, और जब हम पढ़ रहे होते हैं तब भी हम उस चीज़ को ग्रहण कर रहे होते हैं। तो ये मेरा पढ़ाना था, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और देखिए यहाँ पर लिखा है बोलना में अभिव्यक्ति कौशल है, ये मैंने आपको बता दिया। उत्पादनात्मक कौशल है, हम उत्पादन कर रहे होते हैं अपने भावों का, अपने अंदर किसी भी टॉपिक को लेकर के उत्पादन कर रहे होते हैं अपने विचारों का, ठीक है, सक्रिय हो करके, ठीक है। तो ये जो है उत्पादन कौशल जो है ये बोलना में आएगा, और जो लिखना कौशल है इसमें भी यह भी उत्पादन कौशल है। इसमें मैंने लिखा नहीं है लेकिन यह भी उत्पादन कौशल है, क्योंकि जब हम लिख रहे होते हैं तब भी तब हम वहाँ सोच रहे होते हैं कि अब इसके बाद क्या करें, क्या लिखें, कौन सा शब्द यहाँ पर रखें, कौन सा विराम यहाँ पर लगाएं, किस प्रकार का वाक्य यहाँ होना चाहिए, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य कौन सा होना चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ों का हम वहाँ पर उत्पादन कर रहे होते हैं, कहाँ कहाँ पर, जब हम बोल रहे होते हैं तब, और जब हम लिख रहे होते हैं तब, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये सारा का सारा आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया है तो एक लाइक ज़रूर करना, लाइक करना मत भूलना, दूसरों के पास शेयर कर देना, उन लोगों के पास जिनको इसकी ज़रूरत है, और अपने अपने स्टेटस पर लगा लेना, ताकि जो दूसरे लोग हैं उनको भी पता चले और वह भी इसका लाभ उठा सकें। और यदि कोई नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाया करे। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ भाषा शिक्षा शिक्षण शास्त्र के, तब तक के लिए धन्यवाद।